हाउ टू फाइंड लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स इन AHREF, आप लोग किस तरह जो है AHREF का टूल यूज करके लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, जिनको इजिली आप लोग रैंक कर सके, जिनको आप लोग इजिली जो है गूगल पर जो है फर्स्ट पेज पर ला सकें, आपको बैकलिंक्स की भी जरूरत ना पड़े, आप लोगों का जो है कोई ऐसी टेक्निक की जरूरत ना पड़े, आप लोग इजिली अपने ब्लॉग को अपनी वेबसाइट को रैंक करके उससे अर्न कर सके, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कजाफी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। इस टाइम हर वक्त यही चाहता है कि हर कोई शख्स यही चाह रहा है कि हमें कोई ऐसी टेक्निक दी जाए जिससे जो है हमारे ब्लॉग या हमारी वेबसाइट या हमारा कुछ भी है, सर्विस वेबसाइट है आपकी, अगर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है आपकी, कोई एफिलिएट वेबसाइट है, कोई सीपी की वेबसाइट है, बस वो जल्द से जल्द जो है रैंक हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैनुअली भी रिसर्च करते हैं, लाइक जिनको कोई टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जो इजिली रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल रिसर्च में आपको काफी वक्त चाहिए, आपको एक एक चीज चेक करनी पड़ती है, आपको उनकी एक एक वेबसाइट चेक करनी पड़ती है, उन वेबसाइट में पेजेस चेक करने पड़ते हैं, बहुत टाइम है। लेकिन इन टूल्स ने हमें बहुत हेल्प दी है, वो इसलिए कि इन टूल्स के थ्रू हमें काफी अच्छा डाटा कलेक्ट, मतलब कि खुद ब खुद ही कलेक्ट करके हमें शो करवा देता है, हमारा टाइम सेविंग के लिए ये बेस्ट है। AHREF अगर डायरेक्टली परचेज किया जाए जाहिर बात है काफी कॉस्टली है, लेकिन ग्रुप्स में अगर आप लोग जो है फेसबुक पर ब्लॉगर्स के, फ्रीलांसिंग के जितने भी ग्रुप्स हैं, आप लोग कहीं पर भी सिर्फ पोस्ट कर दें आई नीड AHREF फॉर वन मंथ, तो आप लोगों को इजीली जो है $10 पर मंथ में ये प्लान मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ AHREF भी नहीं और भी टूल्स होंगे, काफी सारे टूल्स होंगे, आप लोग जो है इजीली जो है इसको ले सकते हैं। AHREF यूज करने का हमें ये फायदा है, AHREF का जो टूल है, SAMOH का जो इनका जो टूल है, इसका ये फायदा है कि हमें जो है इजीली हमें वो कीवर्ड मिल जाते हैं जिनका कंपटीशन हाई ना हो, हम लोग जज कर सकते हैं कि ये, लेकिन आप लोग 100% एक्यूरेट नहीं समझेंगे, कोई भी टूल इस वक्त ऐसा नहीं है जो आप लोगों को कहे कि ये एग्जैक्ट डाटा मैं कीवर्ड कर दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एक एस्टिमेटेड डाटा मिलता है, आप लोग उससे एस्टिमेट करते हैं कि वाकई हम लोग इसको बीट भी कर सकेंगे या नहीं, तो आप लोग सिर्फ एस्टिमेटेड के तौर पर इसको यूज करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो एंड आप लोग रिसर्च कर सकें, एंड आप लोग इस टूल्स के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग निश रिसर्च कर सकते हैं, आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आप लोग अपना ब्लॉग को, आपके अपने ब्लॉग को ऐड करके उसको मॉनिटर कर सकते हैं, एंड जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, बैकलिंक्स वगैरह कंपेटिटर के निकाल सकते हैं, खुद की साइट के बैकलिंक देख सकते हैं, काफी कुछ है इसमें। तो हमारा आज का ये टॉपिक है कि हम लोग इस टूल को यूज करते हुए किस तरह जो है आप लोग उसको यूज करते हुए अपने लो कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, लो डिफिकल्टी के कीवर्ड्स होंगे जिनको आप लोग इजीली रैंक कर सके। तो सबसे पहले आप लोगों को टेक्निक बताता चलो, वो ये है कि आप अपनी इर्द गिर्द की चीजों को नोटिस करें, एंड ये तो आप जिस चीज कोई नो मैटर आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, आप लोग जिसकी भी निश के बारे में जानते हैं ना, उसकी हर निश में आप लोग अब कीवर्ड्स को फाइंड किया करें, खुद को चेंज ना करें कि वो अगर AHREF में इस निश का कंपटीशन कम है, इसका कीवर्ड का कंपटीशन कम है, इस कीवर्ड का ये वो, मैं क्यों अपने ब्लॉग को बदल लूं, ये वो, ये मैं क्यों अपनी राइटिंग के लिए, तो इस तरह हरगिज ना करें। आप जिस चीज में है ना उसकी डेप्थ में जाएं, देखें आपको उस चीज में लो कीवर्ड डिफिकल्टी मिलते हैं या नहीं मिलते, देखिए इस वक्त कौन सी आपके अंदर टेक्नोलॉजी है जिससे, या कोई आपके अंदर कोई ऐसी चीज की लिखने की है, या आपका राइटर भी क्यों ना हो जाए, आप अपने राइटर से पता करें कि यार आप लोग किस चीज में ज्यादा जो है लिख सकते हैं, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन किस चीज की है, तो भी आपको बता देगा कि मैं हेल्थ में ज्यादा लिख सकता हूँ, या जो है मैं गेमिंग में लिख सकता हूँ, या मैं जो है किसी भी चीज के बारे में वो आपको बता सकता है। आप उसी चीज की आगे रिसर्च करें, आप देखिए उन्हीं में ही लो कीवर्ड फाइंड करें, आप ये ना देखें कि अगर उसने ब्लॉग बनाया है वो इस निश पर काम कर रहा है, उस निश में कंपटीशन कम है, उस निश में ये, तो मैं भी क्यों ना उस निश में काम करूं, ऐसा हरगिज ना क्या करें, आपकी अपनी एफर्ट्स होगी, उसकी अपनी एफर्ट्स होगी, सो आप उसे बहुत ही मतलब कि काफी मुश्किल होगा क्रॉस करना, लेकिन आप अपने अंदर एक ऐसी चीज करें कि आप लोग इजिली जो है खुद रिसर्च करें, खुद के अपने टॉपिक्स फाइंड करें, खुद की टेक्निक्स यूज करें एंड इस तरह करें, तो आ जाते हैं पीसी की तरफ, और ये है हमारा यूट्यूब का चैनल। अगर तो आप इस पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, एंड ये है हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, विदाउट एनी स्किल के भी आप लोग इजीली अर्न कर सकते हैं, क्लिक बैंक से भी अर्न कर सकते हैं, अमेजोन से भी अर्न कर सकते हैं, फाइबर से भी अर्न कर सकते हैं, और टूल की तरफ आ जाते हैं AHREF एक्सेस। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को अपनी निश का बताओ कि आपकी कौन सी निश है, किसी भी चीज की, चाहे वो टेक्नोलॉजी की है, चाहे वो
किसी भी चीज की है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कीवर्ड एक्सप्लोरर में आता हूँ और ये हमें कंट्रीज पूछते हैं कि आप लोग किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, कोई भी आप लोग। तो हम लोग ऑब्वियसली यूएसए को टारगेट करते हैं क्योंकि इनकी ऑडियंस जो है काफी ज्यादा होती है एंड काफी बेनिफिशियल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हाउ टू ये ऊपर देता है कि आप लोग YouTube की रिसर्च कर रहे हैं, लाइक YouTube के लिए रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग Amazon के लिए कर रहे हैं, Bing के लिए, Yahoo के लिए, Yandex के लिए, तो आपको ये सारे सजेशन देता है। तो हम लोग YouTube करेंगे। अब ये मेरे पास एक टॉपिक आया, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब हेल्थ या उसके बारे में, बेली फैट के बारे में, या कोई भी आप लोग टॉपिक जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल ये निश मिली है, मैं चाहता हूँ मैं इस निश में लिखूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरे लिए कौन सा कीवर्ड बेटर है। अब मैं इस कीवर्ड पर लिखने लग जाऊं, अब इस कीवर्ड पर आप लोग देख सकते हैं कीवर्ड अच्छा है, लेकिन अब एक कीवर्ड डिफिकल्टी में नहीं जाना, हमने ये देखना है टॉप साइट रैंक कर रही है कि उनमें लो कॉम्पिटिशन की साइट्स हैं, क्या हमारी जगह पे है। तो टॉप जितनी भी साइट्स रैंक कर रही है सारे ब्रांड है, YouTube आ रहा है, WebMD आ रहा है, सारे ब्रांड आ रहे हैं। तो यहां पर जाकर हम, मैं ये देख रहा हूँ कि एक NDTV एक वेबसाइट, नहीं ये भी ब्रांड है, तो मैं ये समझू इस वक्त, ये देखिए ये 21वें नंबर पे रैंक कर रहा है, ये अब ये 21वें नंबर पे भी रैंक कर रहा है। अब मैं इस पर काम करना चाहूं तो मैं इस आदमी को बीट कर सकता हूं, लेकिन अभी इसे भी तो टाइम चाहिए ना इन सबको क्रॉस करने के लिए, जितने भी टॉप कंपेटिटर की साइट आ रहे हैं, जितने भी टॉप ब्रांड आ रहे हैं, ऑब्वियसली इसको भी टाइम चाहिए। सो मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि आखिर ये भी तो कीवर्ड्स आखिर शो हो रहे हैं ना, हमें इस पर भी 19,000 लोग हैं, 13,000 इस पर हैं, 1300 आप लोग वॉल्यूम पर ना चेक करें, आप लोग ये देख रहे हैं, हमें सिर्फ क्वालिटी की ट्रैफिक चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई फजूल लोग नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग अपना बस काम क्या करें, ये ना करें इसमें वॉल्यूम 50 है 100 है यार ये छोड़ दें, हमें बहुत फायदा हो सकता है अगर डेली के 50 में मिल जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। अब मैं इसमें आ जाता हूँ हैविंग सेम टर्म में, फ्रेज मैप में भी आप लोग जा सकते हैं, आप लोग फ्रेज मैप में जाना चाहें मैच में तो सब भी आप लोग जा सकते हैं। अब आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक ऊपर जो है फिल्टरिंग का दिया होगा उस फिल्टर को एडजस्ट करेंगे कि हमें ऐसे ऐसे कीवर्ड दें जिनमें इतना वॉल्यूम इतना। सबसे पहले KD इसकी KD लगाने से हमें ये फायदा मिलता है कि हमें वो ऐसे ऐसे कीवर्ड देते हैं जिन पर जो है लो डिफिकल्टी की साइट्स रैंक कर रही होती है, जिन पर लो रैंक कर रही होती। अच्छा जी, जब कीवर्ड टाइप किया, ओ सॉरी ये वॉल्यूम था, हमने KD टाइप करनी है, KD हो गई 20 तक को आप लोग इजीली बीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे एक साइट आ रही है जिसका कोई इतने बैकलिंक नहीं है, उस वेबसाइट के कोई इतने जो है कुछ नहीं है, तो आप लोग इजीली उनको जो है रैंक, फ्रेज मैच में काफी कम होता है। हैविंग सेम टर्म में हम लोग जाएंगे, इसमें जाने के बाद हम लोगों ने KD टाइप कर दी 20 और वॉल्यूम मिनिमम डिपेंड करता है 100 कर देते हैं हम लोग, लेकिन ये तो बहुत कम दे रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्पेसिफिक टॉपिक में आ जाता है। अगर मैं जस्ट बेली फैट लिखता तो ये उसमें भी आ जाता। अब इसमें मैंने जब देखा है, ये देखें ये अब आपको जो कीवर्ड दे रहा है ये वाले, इनमें वॉल्यूम तो कम है लेकिन कीवर्ड इजीली रैंकेबल होंगे। अगर आप लोग इसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज देखें तो हाउ टू बर्न बेली फैट ओवरनाइट, तो ये हमें देगा जी, ये था इंफॉर्मेशनल कंटेंट के, इंफॉर्मेशन हमें ब्लॉगिंग के लिए होता है। अब ये देखें आप लोग, इस पर एक वेबसाइट रैंक कर रही है, तीसरे नंबर पर है, उसके उसके भी बैकलिंक्स हैं और उस पर ट्रैफिक भी 124 जा रही है एंड मीन टू से आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये था ऑलरेडी एक टॉपिक था, आल्सो रैंक फॉर में देखते हैं, ये आपको 7 सब टॉपिक भी दे रहा है हेल्थ के रिलेटेड, आपको फैट, बेली, लूज वेट, बेस्ट टॉपिक सब कुछ आपको दे रहा है। अब हम KD नहीं लगाते, हम लोग KD लगानी पड़ेगी ताकि मैं आपको लो कंपटीशन की कीवर्ड दिखा सकूं। KD अगर 30 करते हैं, वरना हम लोग कीवर्ड चेंज करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक सब टॉपिक में है, ये ऑलरेडी एक हेल्थ का टॉपिक है, फिर उसकी आगे सब कैटेगरी में आ जाता है वेट लॉस का, फिर उसकी आगे हेल्थ सब कैटेगरी में ये आया बेली वेट का, फिर बेली वेट लॉस। देखिए कि हेल्थ का टॉपिक था, कौन से 6ठे 7वें नंबर पर ये आ रहा है इस वक्त,
अब हमें जो है वर्ड काउंट लगाना है कि हमें, क्योंकि लॉन्ग टेल की वर्ड, अब देखें खाली हेल्थ पर को, खाली हेल्थ को तो आप लोग रैंक कर नहीं सकते, जस्ट गूगल पर हेल्थ टाइप करेंगे तो इस पर क्या आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे। बैली फैट टाइप करेंगे, जाहिर बात है इस पर बड़े ब्रांड आएंगे। हाउ टू बर्न बैली फैट, ऑब्वियसली बड़े ब्रांड आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमें ऐसे की वर्ड दे जिनका एटलीस्ट वर्डिंग 4 या 5 से ज्यादा हो, इनका वर्ड जो है जैसे हाउ टू बर्न बेली फैट, इसमें 5 वर्ड आ रहे हैं। तो सेम लाइक एज मैंने टाइप किया, जो 4 वर्ड से जिनका ज्यादा वर्ड है मुझे वो वाले कीवर्ड शो करे। तो आप लोग दूसरा फिल्टर ये लगाएंगे, पहला फिल्टर आप लोगों ने KD20 तक रखनी है, सेकंड फिल्टर आपने लगाना है, अब ये देखें हाउ टू गेट, ये सारे अब लो कॉम्पिटिशन के कीवर्ड आपको, अब आपका काम आ जाता है उस चीज में, रिसर्च में, कि अब आप लोग साथ साथ इसके भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज देखेंगे और साथ साथ मैनुअली भी रिसर्च करेंगे कि आखिर मैनुअल में वाकई यूएसए के गूगल के यूएसए के सर्च इंजन में ये वाली साइट टॉप पर आ रही है ये नहीं आ रही, यानी वेबसाइट की क्या डिटेल्स हैं, क्या इनकी प्रोग्रेस है एंड क्या इनके बैकलिंक्स कितनी है, ये वो, ये आपको सारा शो करवाएगा। अब इस वक्त हम इसे भी लो डिफिकल्टी नहीं कह सकते क्योंकि इस पर भी काफी हाई ब्रांड रैंक कर रहे हैं, हेल्थ लाइन है, वुमेन है, ये भी ब्रांड है, एंड ये एक छोटा सा वेबसाइट आ गया है ओल्ड स्कूल्स लैब, ये रैंक कर रही है इनकी में, और ये भी एक रैंक कर रही है 14th पोजीशन पर। तो हम लोग वो देखेंगे जो कि टॉप 10 में छोटा सा है, लाइक जो टॉप 10 में ऐसी वेबसाइट घुसी हुई आ जाए जिन्होंने इनको बीट किया हो, फिर उसकी हम टेक्निक नोट करेंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है जो गूगल इसे रैंक कर रहा है, फिर हम लोग उसी को फॉलो करते हैं और इस तरह करके अपने 1 by 1 कीवर्ड्स को निकालते हैं। ये गेम करनी होती है कि अब Ahrefs ने कितना टाइम आसान कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्टली गूगल से करते तो पहले हम 1 by 1 कोई, पहले तो हमें कीवर्ड्स ही ना मिलते, तो अगर कीवर्ड्स भी निकाल लेते और फिर कीवर्ड्स को बाद 1 by 1 चेक करते कौन सी साइट टॉप पर आ रही है, फिर इसलिए एक एक क्लिक पर आप लोगों को जो है सारा डाटा मिल रहा है आप लोगों को वो फिर ऊपर फिल्टर भी हम लोग लगा देते हैं कि हमें वो कीवर्ड दिया जाए जिनकी डिफिकल्टी कम हो, जिनको इजीली रैंकेबल कर सकें। अब जैसे आपके साथ, अब आपने एक चीज नोट करनी है कि अपनी ही निश में रहकर आप लोगों ने ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिनके टॉप 10 कंपेटिटर में से कोई एक ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही हो, दो जितनी भी वेबसाइट रैंक कर रही हो उनमें, क्या उनमें लो कॉम्पिटिशन की वेबसाइट भी रैंक कर रही है, अगर उनमें नहीं कर रहे तो उस कीवर्ड को छोड़ देंगे। आखिर कोई लो डिफिकल्टी कीवर्ड रैंक भी कर रहा होगा ना, तो हम लोग फिर उसकी टेक्निक को देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या यूज कर रहा है जो हमें करने की जरूरत है ताकि हम भी अपने कीवर्ड पर रैंक कर सकें। एक तो ये डाटा को, अब सेम लाइक एज आप लोग इसी तरह एफिलिएट की भी कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर सकते हैं आप लोग, अपनी सर्विसेज वेबसाइट के लिए कर सकते हैं आप लोग, सेम प्रोसीजर जो है अपनी दूसरी। अब इस पर भी जो है, क्योंकि ये हेल्थ का टॉपिक है इस पर मुझे नहीं लगता, अब प्रोसीजर आपको समझ आ गया, मैं आपको एक हेल्थ उसका ड्रोन लिखता हूं। अब आप लोगों को इस चीज का जो है, मैं अब ये एफिलिएट कीवर्ड में आएगा, ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज होता है, ये प्रोडक्ट ही कीवर्ड है, जरूरी नहीं सिर्फ एफिलिएट के लिए आएगा, ये आप लोग अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो आप लोगों को इसका दिखाता हूँ। अब इसमें मैं पता क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इंक्लूड हो जाए बेस्ट कवर्ड, कि ऐसा कीवर्ड दें जिसमें बेस्ट, जैसे बेस्ट ड्रोन 2021 ये वो टॉप 10 बेस्ट ड्रोन, जैसे इस तरह के कोई मुझे कीवर्ड दिया जाए तो वो मुझे सारा डाटा ये दे देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पर कौन कौन सी वेबसाइट टॉप पर आ रही हैं एंड आप लोग किस कीवर्ड को बीट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को उसके बैकलिंक्स का सारा कुछ, वर्ड काउंट में 5 कर देता हूँ एंड KD में मैक्सिमम 20 कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि आपको कौन सा डाटा देता है। तो इसी तरह जो है आप लोग अपनी ही निश में अपने ही कीवर्ड्स को निकाल कर उनको रैंक कर सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं। फिर फाइंड आउट करने के बाद आगे आपको जाहिर बात है SEO का प्रोसेस शुरू होता है, वो SEO की कुछ मैंने सीरीज में बताए हुए हैं। तो अब ये देखिए बेस्ट क्वाड कॉप्टर अंडर 200 इसका 400, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई जो है स्मॉल साइट रैंक कर रही है या नहीं, अगर तो स्मॉल कर रही होगी जाहिर बात है फिर हम ये नहीं देख लेना कि एक मिड स्मॉल साइट रैंक कर रही है अब चल भाई ये कीवर्ड काम कैसे काम करता है, नहीं ये हर किस नहीं करना, मैनुअली रिसर्च करनी है, मैनुअली देखना है कौन सी साइट स्टॉप पर आ रही है, मे बी ये रॉन्ग डाटा फेच कर रहा हो, आपकी मेहनत जाया करेगा, आपका टाइम जाया करेगा, आपका कॉन्टेंट जो आपने एक्सपेंस पे किए वो सारी आपकी बर्बाद जाएंगी, इस पर नहीं रहना, मैनुअली रिसर्च करनी है, मैनुअली देखना है, मैनुअली कंपेटिटर एनालिसिस करना है, मैनुअली सारा कुछ रियलाइज करना है, फिर अपने आप को इस चीज से कायल करना है आप लोगों ने कि वाकई हाँ ये कीवर्ड इजीली मेरे लिए रैंकेबल भी होगा।
अब इस पर जो है ये देखिए स्मॉल साइट्स रैंक कर रही हैं, जिनका जो है इतने बैकलिंक्स भी नहीं है, बैकलिंक्स भी नॉर्मल आए हुए हैं, 12-13 बैकलिंक्स लिए हुए हैं, ट्रैफिक भी अच्छी खासी ले रहे हैं, तो आप लोग इस तरह करके कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज आपको कीवर्ड रिसर्च समझ आया होगा, एचरेफ का कितना बेनिफिट है आप लोग समझ चुके होंगे। अब इस टूल ने कितना टाइम आसान किया आप लोगों का, आप लोग ये भी समझ सकते हैं। अगर यही डायरेक्टली गूगल से किया जाता तो जाहिर बात है तकरीबन एक हफ्ते महीने लग जाते कि वन बाय वन वेबसाइट देखी जाती, वन बाय वन कीवर्ड निकाला जाता, तो बहुत टाइम लग सकता था। तो इसलिए हम टूल जितने भी आए हैं हमारे लिए, चाहे आप लोग एचरेफ यूज करें, और हर टूल का डिफरेंट डाटा होगा, हर टूल का डिफरेंट एल्गोरिथम है, हर टूल का जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको, अब कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो आपको एग्जैक्ट सेम डाटा दे हर वेबसाइट पर। सो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, अगर वाकई ही है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आप उसे इजीली देख सकें।